सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो गाइस आज मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो गाइस आपको पता ही होगा टेच प्रो हर्ष वर्सेस वी आर गेमर यानी बॉस आईओएस के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस मैंने एक न्यूज कवर किया था इस वाले वीडियो में, जिसमें बताया था कि टेच प्रो हर्ष ने 4 लोगों के ऊपर केस फाइल किया था, एंड उसी के बारे में बॉस आईओएस भाई का क्या कहना था, आप उनसे ही सुन लो। अभी जस्ट 2 दिन पहले मैं इंडिया आया और मैंने देखा वो भाई ये सब क्या चल रहा है, मैं देखकर शॉक हो गया। सर बताओ, मेरे को देख के हंसी आ रही थी कि भाई लोगों को मैनिपुलेट करना आज की डेट में कितना ज्यादा इजी है। आज भी हमारी इंडिया की जनरेशन इतनी ज्यादा इनोसेंट है ना कि वो किसी की बातों पर भी एकदम आंखें बंद करके विश्वास कर लेती है। टेच प्रो हर्ष ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने दिखाया कि उसने 3 यूट्यूबर पे केस कर दिया, जिसके अंदर स्काई लॉर्ड का भाई भी इंक्लूड है, जस्ट बिकॉज स्काई लॉर्ड के भाई ने टेच प्रो हर्ष के चैनल पर स्ट्राइक मार दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि टेच प्रो हर्ष ने लीगल एक्शन लेकर गलत किया, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि स्काई लॉर्ड के भाई ने स्ट्राइक मारकर सही किया। बस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि कैसे ये यूट्यूबर्स आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। आप लोगों ने अगर टेच प्रो हर्ष की वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा उसने क्या मस्त इमोशनल वीडियो बनाई है, उसने क्या मस्त स्टोरी लिखी है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो उसने पूरी वीडियो में ये बताया कि कैसे स्काई लॉर्ड के भाई ने और 2 अदर क्रिएटर्स ने मिलकर उसके चैनल पर स्ट्राइक मार दी, और इन लोगों के स्ट्राइक मारने की वजह से जब टेच प्रो हर्ष का चैनल टर्मिनेट होने वाला था तब ये कितना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था, उसको कितना ज्यादा सैड फील हो रहा था, कितना ज्यादा बुरा फील हो रहा था। टेच प्रो हर्ष ने अपनी वीडियो में ये खुद बोला था कि स्काई लॉर्ड ने और इन लोगों ने बिल्कुल भी स्ट्राइक मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने अपने चैनल पर कितनी ज्यादा मेहनत की है, कितनी रात भर मैं जागा हूँ, कितना इमोशनली अटैच हूं मैं इस प्लेटफॉर्म से। स्काई लॉर्ड के भाई को स्ट्राइक मारने से पहले एक बार भी तरस नहीं आया, बिल्कुल भी उसने नहीं सोचा कि कैसे ये लोग मेरी मेहनत को एक सेकंड में बर्बाद कर सकते हैं। ये सारे मैजिकल वर्ड सुनने के बाद, ये सारी बातें सुनने के बाद आप लोग इमोशनल हो गए होगे, आप लोगों को लगता होगा यार ये टेच प्रो हर्ष कितना ज्यादा अच्छा बंदा है, इसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, ये लोग कैसे इसकी मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो, टेच प्रो हर्ष ने मेरा इंस्टाग्राम डिलीट करवा दिया मल्टीपल रिपोर्ट करवाकर, और मेरा इंस्टाग्राम डिलीट करवाने के बाद ये देखो अपने इंस्टाग्राम पर कैसे मस्त स्टोरी डाल रहा था, एकदम शो करके दिखा रहा था पूरा खुशी में कि ये देखो भाई वीआर गेमर का इंस्टाग्राम हमने खत्म करवा दिया, उसकी मेहनत को हमने उड़ा दिया। मतलब समझ रहे हो, जब इसके चैनल पर खुद स्ट्राइक पड़ती तब ये वीडियो इमोशनली बनाता है कि कैसे कोई इतना बुरा हो सकता है, कैसे कोई किसी की मेहनत को एकदम बर्बाद कर सकता है, और वहीं पे ये खुद मेरे इंस्टाग्राम को डिलीट करवा कर एकदम मस्त इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करता है कि लो भैया हमने करवा दिया वीआर गेमर का बॉस आयुष का इंस्टाग्राम डिलीट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इस तरीके से स्काई लॉर्ड के भाई में और इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है, जब ये खुद मेरे इंस्टाग्राम पर फेक मल्टीपल रिपोर्ट करवा के मेरे इंस्टाग्राम को डिलीट करवा रहा है, तो स्काई लॉर्ड ने अगर इसके चैनल पे स्ट्राइक मार दी तो क्या गलत है भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन हंसने वाली बात पता है, ये बंदा दिखाता है कि इसने स्काई लॉर्ड एंड यूट्यूब के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया और बोलता है कि अगर मुझे जस्टिस मिला तो यूट्यूब इंडिया में बैन हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ओ भाई सच में, अगर तू इतना बड़ा लीगल एक्शन ले रहा है, अगर तेरे को लॉ के बारे में इतनी नॉलेज है तो तेरे दिमाग में एक छोटी सी बात नहीं आई क्या, तू खुद मेरे इंस्टाग्राम पर फेक मल्टीपल रिपोर्ट करवा रहा है और अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लाकर ये शो ऑफ कर रहा है कि हाँ भैया हमने वीआर गेमर्स का इंस्टाग्राम डिलीट करवा दिया। खुद से शो करके एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ तूने डिलीट करवाया, अब बता अगर मैं तेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लूं तो क्या होगा, ये फंस गया सी है। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोगों को पता है कि अगर मैं लीगली आ गया तो रिजल्ट क्या होगा। आप लोगों को बैच 99 वाला सीन तो याद है ना, आप लोगों को पता होगा आज से 1.5 साल पहले एक गलती की वजह से मेरी और बैच 99 भाई की कंट्रोवर्सी हो गई थी और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि मेरे को लीगली जाना पड़ा। लेकिन फिर एट द एंड क्या हुआ, बैच 99 भाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि गलती उनकी तरफ से हुई है, गलती उनके मैनेजर की थी। अब बताओ कि अगर मैं इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगा तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने फेक एलिगेशन लगा के हमारे ऊपर एक वीडियो बनाई, जब इसको पता चल गया कि वीडियो गलत है, इसने जो कुछ बोला वो गलत है, इसको करना चाहिए थी वीडियो प्राइवेट, लेकिन फिर भी इसने वीडियो प्राइवेट नहीं की। देन सबसे बड़ी बात, एक तो ये मेरा इंस्टाग्राम डिलीट करवाता है, ऊपर से अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाकर ये खुद दिखाता है कि हाँ भैया देखो मैंने फेक रिपोर्ट करवा के वीआर गेमर्स का इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, अब मैं चाहूं तो तेरे पर आराम से लीगली केस कर सकता। खैर छोड़ो, मैं नहीं चाहता कि किसी की गलती की वजह से उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो। बिलीव इन कर्मा, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इसने मेरा इंस्टाग्राम डिलीट करवाया और अब क्या हुआ, इसका खुद का इंस्टाग्राम भी डिलीट हो गया। हंसी की बात तो ये कि बंदा यूट्यूबर है लेकिन एट द एंड है तो एक बच्चा है, तो हरकतें भी बच्चे जैसी। एंड गाइस वीडियो देखने के बाद आप किसी को हेट मत देना, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को न्यूज पहुंचाना। एंड गाइस अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस मैं बात कर रहा हूं नॉन स्टॉप गेमिंग के बारे में। एंड गाइस क्या होता है कि एक बंदा होता है जिसका नाम शुभम करके होता है, वो नॉन स्टॉप गेमिंग के लाइव पर एनजी गिल टेस्ट देने के लिए आता है। तो उसको नॉन स्टॉप भाई 1v1, 1v4 कराता है और वो बंदा एकदम खतरनाक हेडशॉट मार रहा था भाई, एकदम रेड डॉट ही मार रहा था, एकदम हैकर की तरह, एकदम पेनल यूजर की तरह। और क्या होता है गाइस, वो पेनल यूजर ही निकलता है। एंड गाइस जिसको देखने के बाद नॉन स्टॉप भाई उसका पीसी चेक करने वाले ही थे, लेकिन किसी ने प्रूफ के साथ नॉन स्टॉप भाई को वीडियो भेज दिया, जिसको देखने के बाद बंदा डिस्कॉर्ड छोड़ के भाग गया। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे लोग चैट कर रहे थे कि इस्मत भी पेनल यूजर है, वो भी पेनल यूज करता है। एंड गाइस उसके बाद नॉन स्टॉप भाई ने क्या कहा, आप उनसे ही सुन लो। यार ये भाग गया, कब भागा, अब ये बंदा आ नहीं रहा। शुभम भाई, हेलो।
भाग गया भाग गया, कोई बात नहीं। शुभम भाई सीधा पीसीबीसी बंद करके चले गए। भाई फेयर खेलो यार, उन बंदों का क्या होगा जो मेहनत कर रहे हैं यार दिन रात दिन। तुम उठाओ पैनल लो, तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं चलेगा यहाँ पे। किसी प्लेयर को हम ऐसे नहीं है कि एक दिन खेल लिया सीधा गिल्ड में, भाई प्रॉपर चेक होता है। एनजी में कोई बंदा ऐसे तो आएगा नहीं कि भाई गलत मार रहा है, अनफेयर मार रहा है, उसी को हम लोग उठा के ले लेंगे। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे। अरे क्या क्या चल रहा है यहाँ पे भाई? पैनल भाई मतलब पैनल चेक भाई, कोई चेक ही नहीं किया भाई जरूरत यार देखो चेक ही नहीं हुआ। हाँ चेक ही नहीं हुआ भाई, वो पहले ही बंदे ने भेज दिया है भाई। स्मूथ भी सही भाई यार देखो। अब देखो स्मूथ कितनी जगह स्मूथ का पीसी चेक नहीं हुआ। करण भाई ने किया, जीडब्ल्यू करण, बोस ऑफिशियल पे यस ने चेक किया, विंसेंजो ने चेक किया। जो पैनल वाले हैं तुम्हें ये एक दिन के ही दिखेंगे, एक दिन तुम्हें मारेंगे अगले दिन नहीं मारेंगे, इस तरीके से तुम्हें ये बस दिखेंगे, ठीक है ना? और तुम्हें ये अपडेट के बाद तुम्हें नजर नहीं आएंगे, सीधा अपडेट के बाद तुम्हें नजर ही नहीं है। तो गाइस अब बढ़ते हैं फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस क्या डार्क टिप्स एफएफ हैकर है? क्योंकि गाइस बॉस ऑफिशियल यानी यस भाई ने उसका पीसी चेक किया था, एंड उसका पीसी में क्या मिला आप लोग उनसे देख लो। ये बंदा टिप्स एंड ट्रिक की दुनिया में अभी के टाइम पे आग लगा रहा है इन इंडियन सर्वर। लेकिन अगर तुम इसके गेम प्ले को देखोगे ना भाई गौर से, तो तुम्हें पता लगे ये जो इस तरीके के शॉट्स मार रहा है ना भाई, तुम खुद देखो, तुम्हें क्या तुम्हारे ऐसे शॉट्स लगते हैं मेरे को ये बताओ। UMP से मार रहा है और नेक्स्ट लेवल मार रहा है भाई, स्कोप खोल के ड्रैग भी नहीं है, डायरेक्टली एम अगर तुम स्लो करके देखोगे डायरेक्टली एम जा रहा है हेड पे। और तो और फोन पे इस लेवल का गेम प्ले ये कर रहा है भाई, इस तरीके के मूवमेंट के साथ इतनी ज्यादा एक्यूरेसी। और मैं इसको आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ, और पहले के टाइम पे इसका गेम प्ले इस तरीके का नहीं था, लेकिन एकदम से ये अचानक भयानक भयंकर खेलने लग गया है भाई। इसका मतलब है सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या ये बंदा फेयर खेलता है या क्या करता है। तो सबसे पहले हम इसको बुलाते हैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड में और चेक करते हैं इसके फोन को। आ गए क्या तुम? कहाँ, मैं तो डिस्कॉर्ड पे ही हूँ। स्क्रीन शेयर करो, एक ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ पे, फोन जैसा बन गया। ऑफ करना है मेरे को। चलो गेम खोलो अपना भाई, खोलो। क्या है? अरे क्या, हाँ ट्रेनिंग स्टार्ट किया ना मैंने। हाँ भाई मारो भाई। स्लाइड स्लाइड वाली मारना है ना? हाँ हाँ हाँ। अभी क्यों नहीं लग रहा फियर में तुम्हारा? क्या अभी क्यों नहीं लग रहा भाई फियर में तुम्हारा? मेरा फायर बटन छोटा होकर के। इतना भाई बहाने मत मारो, ठीक है? इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ फियर में नहीं लगेगा मैं। ये काम आ रहे हैं, काम आ रहे हैं भाई। ये 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 क्या कर रहे हैं? अरे 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 असली आदमी, असली है ये लोना। क्या नहीं है तुम्हारे फियर में? बस की समझ गया, पैनल लगा। ओ अरे 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 हैकर हैकर या जमा। हाँ चलो फाइल खोलो, फाइल मैनेजर। आप फाइल्स ऊपर करो, हाँ। फर्स्ट वाले में जाओ, एंड्रॉइड में। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग गलत ही चीज कर रहे हो। डेटा फाइल्स में जाओ। डेटा, हाँ कुछ नहीं है, किधर भी कुछ नहीं है। ठीक है एंड्रॉइड में जाओ। हाँ एंड्रॉइड बैक, एंड्रॉइड उधर ही है। मीडिया भाई बंद क्यों कर रहे हो तुम? मीडिया में आओ ना, बैक करो। बैक, हाँ ओबीबी में आओ। कुछ नहीं है, इधर फ्री फायर का फाइल्स रहता है, वही है फ्री फायर कॉम डॉट डीटीएस, उतना ही है एंड्रॉइड वही। अब इसमें आओ, कॉम डॉट डीटीएस फ्री फायर मैक्स। यार इसमें वो फाइल रहता है ना, वो फाइल है वो वाला जो कलेक्शन होता है वही है। कॉम डॉट सेंसी, ये कौन सा फाइल है? खोलना जा रहा? अरे वो भैया वो कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन। खोलो तो खोलो, खोलो खोलो। कुछ नहीं है इधर। खोल 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 वापस उसको, जल्दी जल्दी जल्दी। कॉम डॉट मोर द कॉइल। अरे वो नहीं, मतलब वीडियो वीडियो बनाने के लिए ये बनाना पड़ता है। क्या है ये? तू तो गया बेटे। कुछ नहीं है, देखिए जीरो आइटम, जीरो आइटम है ना भैया, जीरो आइटम। वीडियो बनाने से फाइल बनाना पड़ता है। अच्छा दूसरा वाला, बीच वाला, बीच थंबनेल के लिए, बीच वाला, उसमें भी वही, मतलब ऐसे स्क्रीनशॉट लेता हूं ना थंबनेल के लिए, वही है। जब एम्बोट भाई भाई, खोलियो। कुछ नहीं है, जीरो फाइल दिख तो रहा है, जीरो फाइल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो जीरो आइटम। बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला। यार कुछ भी नहीं है इधर, किधर किधर भी कुछ नहीं है। खोलियो वापस से, वापस से खोलियो उसको। ये लिखा था भाई, ये क्या है? वो
वो वीडियो में जरूरत पड़ती है उन सब चीजों की वीडियो बनाने के लिए। ले भाई अब तो तुम फंस गए भाई। ये क्या भाई आप लोग गजब कर रहे हो। खोलो खोलो ये था हैक मेरा यही हैक। सोहब गाइस आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो का एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं आप लोगों के ऐसे न्यूज लाता रहूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।